गाइस हम लोग पार्क में आ चुके हैं। अब मेरा बाबू मस्ती करेगा। तो किराते का ध्यान भी तो रखना पड़ता है ना, वैसे अच्छा बच्चा है। बहुत मस्ती एंजॉय कर रहे हो आप तो। खुशी आ गई, खुशी को बताते हैं अभी क्या हुआ। एकदम से राजा के पैर उठ गए ऊपर। ये आपके लिए भेजा है ऋषित ने। कभी तो ऐसा भी कर लिया करो, मेरे ऊपर एहसान कर दिया करो। पास हो गए यार ये। ओ भाई ये कौन सा सफर अभियान चल रहा है रात को 3 बजे सुबह। राजा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पार्क में। तो गाइस हम लोग पार्क में आ चुके हैं। मैं राजा को लेके आ चुका हूँ पार्क में। अब मेरा बाबू मस्ती करेगा। नहीं आज नहीं नहा सकते ना बेटा, यहाँ पे राजा नहाने वाला है। और हम लोगों ने राजा कपड़े लेने भेजे, पहले यही ट्राई कर दी कि पूल ओपन है नहीं, तो बच्चे भी नहा रहे हैं मस्ती कर रहे हैं सब लोग। मेन पूल वो वाला है वैसे, किड्स पूल ये है। क्या राजा आज राजा कितना, आज राजा बहुत खुश है। बताओ आज मैं छोटे पूल में नहाने वाला हूँ, तब आ जाता है पूल में सब लोग डांडे। राजा के चक्कर में हम लोग नहीं गए, बिकॉज इस वाले पूल में अगर हम जाएंगे तो राजा उस वाले पूल में नहीं जा पाएगा, क्योंकि राजा का ध्यान भी तो रखना पड़ता है ना, वैसे अच्छा बच्चा है। राजा आपको मजा आ रहा है? वाओ ग्रेट। गाइस गाइस बताओ मैं कहां पे आया अभी, स्विमिंग पूल में। सच में इतने तो बीत गई। वाओ सच में ऊपर आके बीत गई था मैंने बस। ओ यार पॉकेट में पानी भर गया शायद है ना। कोई बात नहीं, ऐसे एंजॉय करो, बहुत मस्ती एंजॉय कर रहे हो आप तो। यस यस इंडिया। आ जाओ कम बेटा, आराम से कम, गुड बॉय। हां जी हाँ जी, आज के लिए इतनी मस्ती काफी है। गणपति बप्पा। और यार पूजा वूजा हो चुकी है डन, रूम की हालत है कुछ अभी के लिए ऐसी। तो हे एवरीवन कैसे हो आप सब लोग, मेरी एक गलती से मतलब पूरा व्लॉग खत्म हो गया। मैं दोबारा से ले रहा हूँ रात को ये व्लॉग का शॉट अगेन। राजा आ जाओ क्या हुआ हम बताते हैं सबको, पूरे दिन की अपनी बीती आप बीती सुनाते हैं फिर बताते हैं पहले हमारे साथ क्या हुआ। सो गाइज मैं आज का डाटा भेज रहा था शोरे को एडिट करने के लिए, उसके साथ साथ गलती से मैंने क्या किया वो वाली फाइल इरेज कर दी जो आज की थी, भेजनी थी मुझे कल की फाइल और आज की इरेज कर दी कि स्पेस बन जाएगा थोड़ा सा। जब देखा कि वो गलती से मैंने आज की फाइल इरेज कर दी, दिमाग खराब हो गया मेरा। सो गाइज आज के दिन की शुरुआत करी थी हमने कुछ ऐसे कि हम लोगों ने लिया था कि आज हम लोग कॉन्टेंट वीडियो नहीं शूट करने वाले, हम लोग आज घर की सफाई करेंगे। तब आके खुशी ने सफाई चालू कर दी, सुबह ही फेसबुक के शॉर्ट मिल जाएंगे तो मैं वो दिखा दूंगा आपको। तो उसने अपनी कवर्ड को प्रॉपर अरेंज करके लगाया और अब वो थोड़ी सी शायद अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये हुआ ऐसे, थोड़ा सा भी खलारा बेड के ऊपर है, ये भी क्लीन कर देगी जब खुशी आएगी। और अब हम चलते हैं दूसरे रूम में। फेसबुक वीडियो में आप लोग शॉर्ट देख सकते हो कितना खलारा था यहाँ पे। खुशी आ गई, खुशी को बताते हैं अभी क्या हुआ। अब मैं शोरे को भेजने के चक्कर में फाइल्स, मैंने आज की व्लॉग की फाइल डिलीट मार दी जो 4-5 क्लिप ले रखी थी क्लीनिंग करके सारी। अब सबको वही आप भी सुना रहा हूँ कि गाइस मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को सारी स्थिति क्या हुई आज। तो घर की क्लीनिंग गाइस ऐसे हो रही थी दबा के। तो गाइस फेसबुक का शॉट लगा दूंगा इस कमरे की क्या हालत थी सुबह। और अभी आप लोग देख सकते हो ये जो थोड़ा सा खलारा बचा है ये कल उठा देंगे, बिकॉज इसमें थोड़ा सामान ऐसा था जैसे अभिषेक का वो जाएगा और ये वाले जो सामान है ये स्टोर में चले जाएंगे। बाकी इस रूम में मतलब क्लीन हो जाएगा पूरा। और इधर जाएगा आयरन वाला सिस्टम, यहाँ स्टीमर जाएगा, यहाँ पे आयरन वाला जाएगा नॉर्मल। अभी बस एक वीडियो शूट करके फिर मैं ये वाला सेगमेंट में। सो गाइस ये भी क्लीन हो जाएगा अब शूज वाला। सो गाइस अभी क्या नाम है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं लेके गया शाम के टाइम राजा को पूल में। वो बात बहुत जरूरी है जिसकी वजह से राजा ऐसे परेशान हो रहा है। राजा पूल में आपके साथ क्या हुआ बताओ, फिर मैं बता दूंगा अभी किसान को। गाइस पूल में अच्छा अब मैं बताता हूँ। सो गाइज मैं इसको लेके गया था शाम के टाइम पूल में। और पूल में क्या है, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा पंगा है कि जो एडल्ट है वो किड्स वाले पूल में नहीं जा सकते, मतलब जो लोग भी आ रखे हैं साथ में बच्चों को लेके स्विमिंग कराने के लिए या नहाने के लिए वो भी अंदर नहीं घुस सकते, उन्हें बाहर ही बैठना पड़ेगा। तो मैं उसको उसी से 5-7 मिनट पहले बोल रहा था कि भाई ये थोड़ा सा मतलब इसमें क्या है, थोड़ा सा रिस्क है कि बच्चे छोटे हैं अभी और बच्चों को तो एक बाल्टी पानी में भी इनके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो मैं उसे वही बता रहा था इतनी देर में क्या हुआ, राजा बढ़िया नहा रहा था, बढ़िया एंजॉय कर रहा था। एकदम से क्या हुआ गाइज, एकदम से राजा के पैर
पैर उठ गए ऊपर और राजा ऐसे हो गया। राजा को एक ही गोता लगा, मैंने अभिषेक को तुरंत अपना फोन फेंका और मैंने मारी जंप एकदम से पूल के अंदर। छोटा सा ही पूल है, सारा मैं गीला हो गया। राजा को निकाला, ये थोड़ा रोया, उसके बाद ये समझा कि डरो आज तो मुझे डुबकी लग गई थी, डुबकी लगी तो बहुत परेशान हो गया था। तो आज सबको वही बात बता रहा है। फिर से घर बात करी तब भी सबको यही बता रहा था कि गोते गोते लगवा दिया आज तो मुझे। कहा राजा? राजी राजी राजा ये बंदर किसने बनाया आपके इतना प्यारा सा? दादा ने। वाह राजा, बहुत ही अच्छा बंकर है। इसमें आंख बंद कर रहा हूँ और कोई गाना गाएगा अभी तो हमें गैस करना है वीके फैम को और हमें मिलके कि कौन गा रहा है। सो गाइस, बच्चा पार्टी अभी इंजॉय कर रही है, मतलब राजा एंड खुशी। तो अभी मुझे आ रही है बहुत तगड़ी नींद, 2:15 बज चुके हैं रात के। सो गाइस, अभी के लिए बस इतने रखते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग नए आते हैं चैनल पे ब्लॉग देखने के लिए, ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, खूब सारा सपोर्ट करो, खूब सारा प्यार करो। एंड जिसका बेस्ट कमेंट होगा मैंने पिन करना चालू कर दिया, मैं बेस्ट कमेंट को हमेशा पिन करूँगा। लव यू ऑल, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन। और हाँ, एक और बिग न्यूज़, शौर्य कल आ रहा है हम लोगों के पास, तो कल से चालू है सारी चीज़ें, कल से ब्लॉग फिर से है चालू, खूब मस्ती होने वाली है। और हाँ, डेली जो घर हुआ करेगी चीजें वो भी शॉर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाय। The next morning. Hey, good morning everyone. Welcome back with the new vlog. और हम लोग खेल रहे हैं गेम, हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सिनर सब हो गया शायद इसी टाइम तक। और थोड़ी सी वीडियो एडिट करनी थी तो मैं जाके वीडियो एडिट करता हूँ जल्दी से। अभिषेक खेलेगा आपके साथ, डेढ़ा वीडियो एडिट करके आ रहे हैं 2 मिनट में। ओके गाइस, राजा को मैंने नहला दिया, मैंने भी नहा लिया। राजा अब तो सोना बाबू बन गयो, ये सॉफ्ट वाला मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था आपको सॉफ्ट वाला पहनाऊंगी, पहनाया ना? मैंने इसे कल प्रॉमिस किया था, इसने बोला था मम्मा कल सॉफ्ट वाला पहना देना। अभी क्या खाओगे जल्दी बताओ? पनीर भुर्जी। रोज पनीर भुर्जी पांठा नहीं, आज खाएगा राजा दाल और चावल। हाँ देख रही बेटू, इसकी बड़ी डॉप टॉप टॉप टॉप, यस 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 यस, गिवडी डॉप डॉप। सो गाइस, फिलहाल हम लोग बनाने लगे हैं वीडियोस और आज शौर्य आने वाला है हम लोगों के पास में, उसकी फ्लाइट 1 घंटा डिले हो गई है मतलब, तो वो होपफुली रात को पहले पहुंचने वाला था 9:30 बजे, अब वो पहुंचेगा कहीं 11-12 बजे के आसपास हम लोगों के पास। तो अभी जब तक हम लोग काम वाम निपटा के हो जाते हैं फ्री, और वर्कआउट अभी अवॉइड ही करता हूँ मैं तो स्पेशली, राजा के साथ मस्ती करता हूँ यहाँ पर रुक के घर पे, और एक ही बंदा कर पाएगा ऐसे टाइम पे। तो डाइट वाइट शुरू कर दिया दोबारा से, मुझे था कि एक बार डाइट हो जाए कंप्लीट एज इट इज़, अपने मतलब अपनी मुद्दे पर आ जाए डाइट, और जब मुद्दे पर आ जाएगी फिर उसके बाद वर्कआउट शुरू करेंगे। और ये है गिफ्ट सोशल नेस्ट की तरफ से, इसको भी अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये ऋषित की कंपनी है सोशल नेस्ट, कास्टिंग बाई सोशल नेस्ट। हाँ जी, ये आपके लिए भेजा है ऋषित ने, ये सब। हाँ तो ये मेरे बच्चे के लिए भेजे हैं स्पेशली, तो वो लड्डू नहीं है बेटा, वो तो दिया है, दिया ऋषित ने। लो लो, ये आपके लिए है डार्क फैंटेसी, एक चॉकलेट भी ले सकते हो। डन, पहले खानी है। भाई तुझे बोल रहा है ऋषित भाई, थैंक यू मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट भेजने के लिए, थैंक यू ऋषित भाई, थैंक यू। फोन कहता है मुंबई में ऑटो को, तो मैं और दीदी इन्फिनिटी के पास पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर में पैदल पैदल, लेकिन हमें ऑटो मिली। तो फाइनली बहुत दिन बाद में आई हूँ वर्कआउट करने। सो सब लोग बोल रहे हैं मैं पहले से बहुत पतली हो गई, और मुझे भी लग रहा पतली हो गई क्योंकि मेरा वेट 2 kg कम हो गया, मेरा वेट 52 था। मेरा बेटा सुबह से मस्ती कर करके थक गया, हम सोच रहे हैं थोड़ा सा नींद नहीं कर रहे हैं। टीवी नो, अब टीवी नहीं बेटा, टीवी खराब हो गया जैसे रोज होता है। राजा अब नहीं देखो, गुड बॉय। सो गाइस, मैं लेके गया था राजा को सुलाने के लिए, और इसने तो पता नहीं क्या ठान ली कि भाई दूध लाओगे तो सोऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं सोऊंगा। तो अभी हम वही कर रहे हैं, दूध गर्म करने आ गए हैं, और शक्कर का दूध पीता है राजा, थोड़ा सा गर्म करना, अभी गर्म ना हो जाए ज्यादा बस, है ना, कभी ठंडा नहीं होगा, वरना हो गया होगा ना। शक्कर रेडी है हमारा दूध, पूछते हैं बार बार कल। बेटा शक्कर का पी रहे हैं चीनी का? चीनी का, ठीक है, इसको चीनी बोल के शक्कर का ही पिला देते हैं, शक्कर में पिलाएंगे, हो गया ना काम, ज्यादा हो गया ना। हाँ थोड़ा सा बस हल्की सी शक्कर डाल दी, अचार बिंगो। खुशी जा चुकी है वर्कआउट करने, और हम लोग दूध गर्म करेंगे, राजा को देंगे, राजा सोएगा, क्योंकि कल मैंने ट्राई किया था कि इसको ना सुलाऊं फिर जल्दी सो जाएगा, लेकिन यार अपना मतलब परेशान होने लग गया था कि सोना है सोना है सोना है करके, तो मैं क्या फिर उसको ज़्यादा परेशान नहीं करती, सुलाई देते हैं। अगर मैं आपको दूध ना दूँ तो
कभी तो ऐसा भी कर लिया करो, मेरे ऊपर एहसान कर दिया करो। हो गया दूध गर्म, इतना बेहतरीन दूध बना दिया डैडा ने। लेके आते बाबू का दूध, ये बाबू पिज्जा भी डाल दिया उसमें, पिज्जा भी डाल दिया, बर्गर भी डाल दिया दूध में। ले राजा पास हो गए डैडा और अभिषेक, कमेंट तो करो कैसा लगा दूध। पास हो गए यार, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पास। चलो गाइस जल्दी से भाई को सुलाते हैं फिर बाहर मिलते हैं। मिशन सक्सेसफुल गाइस, राजा को सुला के मैं आ चुका हूँ। सुनता है मेरा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है, सारी बातें मानता है। अगर इसको बोलूँ ना बेटा दूध पी के सोना है तो कहता है डैडा ठीक है ओके। टीवी देखता है, मस्ती मारता है, और एक आदमी प्रैक्टिस मैच खेल रहा है सुपर हाई डिफिकल्टी लगा के। मैं इनकी हाई डिफिकल्टी से भी आई हूँ बता दीजिए, मैं सिचुएशन के हिसाब से मारता हूँ। देखो ना आज के मैच में दिखा था सीख का यार, तो वो यूट्यूब पर वीडियो भैया से कैसे जीते, हिस्ट्री देखो मैं तेरी भैया से कैसे जीते। क्रिकेट में जीतने का रेशो क्या है तेरा? 10 में से 8, 10 में से 3 या 2। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। 2 में नहीं है क्या भाई, क्या बात कर रहे हो? तू अगर हम 100 मैच खेल ले तो तेरे हिसाब से तू 10 मैच जीतता है? रेहपट मारो चला जाऊंगा साले। चलो एक दो मैच जीतता तू 100 में से भाई, तुक्का कहते होंगे ना उसे, वैसे तो मानता होगा। कल 8 रन से आ रहा हूं, तुक्का तो बोलते हैं ना उसे। अगर 100 में से 1 जीत रहा तुक्का तो बोलेंगे, और जो 99 जीत रहा वो सिस्टम। याले शौर्य भाई, कैसा बेटा डिले होगी थी फ्लाइट? 2 घंटा 3 घंटा बैठा रहा। अरे यार राजा शौर्य भैया आ गए हैं, क्या कहना चाहोगे? टीम के मेंबर बनाने शौर्य भाई। अच्छा भी काट रहा है तू, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड पर के। अरे भाई इतना भारी सामान, आ जाओ देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अगर बच्चे के दांत में कीड़ा लगा तो इसी तरह लास्ट में, हम तो बच्चों को खिलाते भी नहीं चीजें अपने बच्चे को। और है भाई साहब मुझे बताओ क्या क्या है इसमें? किंडर जॉय जैम्स, ओके सॉरी जैम्स ऑन द बास्केट और जैम्स, ओ नई तरह की ओरियो वाली चॉकलेट, वाओ ये मेरी मनपसंद फेवरेट है। ओ बिग थैंक यू बोलो भैया को, मुझे थोड़ा योगा कर लेते दो। अरे योगा थोड़ा योगा करने दो, ड्रामे एक दो दिन पुराना हो गया था तो ये केक खाने की जिद कर रहा था, मैं इसके लिए पैनकेक बना रही हूं। ये केक एक दो तीन दिन पुराना हो गया जो रखा हुआ था, इसलिए इसके लिए न्यू बना रही हूं पैनकेक। भाई ये कौन सा सफाई अभियान चल रहा है रात को 3 बजे? हमारा सफाई अभियान ये रात आ रहा था गाइस, ये चल रहा है रात को शूज क्लीनिंग सफाई अभियान। खुशी ने आज अपनी सारी वार्डरोब खोल के रख ली, वाह भाई वाह। तो गाइस ये छोटा सा कलेक्शन है खुशी का जो बॉम्बे में अवेलेबल है, शूज यहाँ पे पड़े हुए हैं, भी यहाँ पे भी रखे हुए हैं, यहाँ पे भी रखे हुए हैं। तो अभी ये थोड़े से हील्स और शूज निकाल के दे रखे हैं जो क्लीन हो पाए हैं आज, तो ये खुशी का आ गया यहाँ पे कलेक्शन। बाकी कुछ मेरे उधर पड़े हुए हैं, कुछ इधर पड़े हुए हैं, कुछ इन बॉक्सेस में है और कुछ यहाँ पे लग रखे हैं, तो इनको भी निकालते हैं कल वल को और देखते हैं कितना कलेक्शन निकलेगा। ये कपड़े हैं इनको भी कल से रीअरेंज करेंगे। हाँ भाई हो गया अरेंजमेंट? हाँ